Hello everyone, welcome to Maths by Rishi. We are doing revision for term 1 and we are doing differentiation, and today you have given me some good doubts. So the first two doubts that we are taking up is from the NCERT book exercise 5.5, question number 6 and question number 10. So first of all, let's see question number 6. X, we are supposed to differentiate with respect to x, so no problem. Yahan pe agar main isko alag alag se kar loon to zyada acha lagega mujhe. जैसे कि ये दे रखा है x प्लस वन बाई एक्स की पावर x और यहाँ x की पावर वन बाई एक्स. सो आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट जब कभी भी इस तरीके के पार्स की वैल्यूज आपको गिवन है, राइट, आपके पास वैल्यूज ऐसी पार्स में है, सो आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट आपको क्या करना चाहिए, इसको सेपरेटली डील करना चाहिए, राइट. जैसे इस पूरे एक्सप्रेशन को आप y मान लो, ठीक है, इसको u ले लो और इसको v ले लो, ठीक है. जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स फंक्शन और पार में वैल्यू दे रखी है तो इसको अलग अलग फंक्शन u और v ले लो. और होता क्या है, जब कभी भी आपके पास y इज इक्वल टू यू प्लस वी होता है तो ध्यान रखना जो dy वाई बाई डी एक्स जो हमें निकालना है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इंडिविजुअली डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है. सो हम यहाँ पे u और v पे सारा फोकस अपना लगा देंगे और वहां पे डी यू बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स जो भी आएगा उसको इस इक्वेशन वन में सेट कर देंगे, ठीक है. लेट अस स्टार्ट विथ u. आइए देखते हैं u कितना है. तो u है मेरे पास x प्लस वन बाई एक्स रेज टू दी पावर एक्स. कभी भी अगर फंक्शन के ऊपर कुछ फंक्शन है ऊपर पार में, सो आई सजेस्ट कि आप वहां पे लॉग लेकर के पहले उसको सिंप्लीफाई करो फिर डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है. देखो अगर मैं लॉग लू दोनों तरफ आई गेट लॉग u इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस वन बाई एक्स. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दी आई मीन लॉग प्रॉपर्टीज और एनीथिंग एल्स यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ठीक है. In this case, I would be differentiating both sides with respect to x. So, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1 over u, du over dx. And on the right hand side, I would be applying the product rule. ठीक है? मैंने x को differentiate किया, log मेरे पास as it is रह गया, which is x log of x plus 1 by x. And then I kept x as it is, and I differentiated the log. So, ये expression मेरे पास इसका पूरा पूरा denominator में चला जाएगा. तो ये है कितना? ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है. सो दिस विल गो इन द डिनोमिनेटर. सो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, अपॉन एक्स करने पे किधर जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है. तो ये हमने इस तरीके से डी यू बाई डी एक्स निकाला. बट दिस इज इट डी यू बाई डी एक्स इंटायरली, नो, दिस इज यू टाइम्स डी यू बाई डी एक्स. तो मैं यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स पे अगर फोकस करता हूँ तो यू हो जाएगा, यू मेरे पास ये पूरा एक्सप्रेशन है, राइट. दिस इज एक्स प्लस वन बाई एक्स raised to the power x, and this entire thing is multiplied to this value which is log of x plus 1 by x and multiplied to what, x square and x square plus 1, okay. This is your du by dx. Okay, fantastic, bahut badhiya. Ab hamara kaam kya hai, ab hamara kaam hai v ko differentiate karna. To main yahan pe bhi log v lena chahunga, theek hai. जब मैं log v लूंगा तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, दिस द पावर वुड कम एज 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू लॉग ऑफ x, ठीक है. और अब डिफरेंशिएट कर डालो विद रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 1 बाई v dv बाई डी एक्स इंटू, अब यहाँ क्या प्रोडक्ट रूल लगा दें, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई एक्स को एज इट इज कॉमन कॉन्स्टेंट रखा और 1 बाई एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो मैं लॉग एक्स को डिफरेंशिएट किया तो 1 बाई एक्स आ गया. अगली बार मैंने लॉग एक्स को एज इट इज कॉन्स्टेंट रखा और 1 प्लस 1 बाई एक्स को डिफरेंशिएट किया तो यहाँ से मुझे क्या मिला, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है. मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डी वी बाई डी एक्स. ओके, फैंटास्टिक. सो डी वी बाई डी एक्स इज कमिंग आउट टू बी वी टाइम्स वी, आप ओरिजिनल रख दो जो भी था, कितना था, एक्स रेज टू द पावर 1 plus 1 by x, that is your v, multiplied to this entire thing, okay. Kitna ho jayega ye dekho, ye hamare paas ho jayega 1 by x square, dikhta hai, hai na, agar main isko open kar du to, dusra 1 by x bhi dikhta hai, aur yahan pe bhi minus 1 by x square ke saath log x dikhta hai, theek hai. Kuch agar aap chaho to common one le sakte ho. अगर एमसीक्यू फॉर्म का क्वेश्चन पेपर होता तो फिर देख लेते, जैसा ऑप्शन होता उस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे. फिलहाल हमें क्या चाहिए था, इक्वेशन नंबर 1 चाहिए थी, डीवाई बाई डीएक्स चाहिए. तो यहाँ बस ये वैल्यूज रख दो, जो लंबी सी वैल्यू है, राइट, द सम ऑफ द सेकेंड एक्सप्रेशन एंड द थर्ड एक्सप्रेशन वुड बी योर आंसर. द
Let me know if the answer matches. If you still have a problem, you can use the chat box. बताओ मुझे जल्दी से. तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन में परेशानी जरूर से आती है, राइट? तो अगर आप थोड़ा इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे और ये ध्यान रखोगे कि जब ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे पास पार के ऊपर टाइप के फंक्शन है और अगर इनको आप सेपरेटली यू वी के फॉर्म में लेके चलोगे, तभी आप सही आंसर तक पहुंच पाओगे. ध्यान रखना, किसी और तरीके से करने से आपको परेशानी आएगी. आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस को करने का दिस इज द ओनली वे आउट दैट आई कैन शेयर विद यू. ओके, सो मेक श्योर that you use this method and you remember it and you keep solving such questions time and again. Let's proceed towards the next doubt, that is question number 10. Right, question number 10th is there in the list and let's quickly go through it. Again, this is the same kind of thing, right? Yahan pe fir se kya karu main isko u lena chahunga aur isko v lena chahunga aur again wahi expression apna kya chalega, y. theek hai, aur hame malum hai ki dy by dx kya hota hai. dy by dx क्या होता है? We know that it is du over dx plus dv by dx. So a similar approach is required. चलो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, because आपने पूछा है इसलिए कर देता हूँ. Otherwise मैं अगर करा रहा होता तो मैं एक टाइप का एक क्वेश्चन कराता हूँ फिर आगे बढ़ जाता. बट ठीक है, तुमने पूछा तो मैं करा देता हूँ. सो मैं यहाँ पे log लूंगा बेटा. तो log u मेरे पास क्या देगा? This would be x times of cos of x into log of x. And now I would like to differentiate. ठीक है ना, यहाँ पे x cos x as it is बाहर आ जाएगा, log x as it is आ जाएगा. जब कभी तीन फंक्शन होते हैं तो इसकी डिफरेंशिएशन अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, पर नहीं पता है तो देख लो. मान लो तुम्हारे पास u is equal to u v w है, ठीक है? तो कभी भी आप अगर dy by dx कर रहे हो, या फिर इसको ऐसे बोल दो y dash कर रहे हो, ठीक है, y dash कर रहे हो, ठीक है, तो क्या करना हो? दो वाला तो आप लोगों को आता ही है. क्या करना? एक बारी u डैश को डिफरेंशिएट करना, बाकी दो को कांस्टेंट रखना. दूसरी बारी v डैश को डिफरेंशिएट करना, बाकी दो को कांस्टेंट रखना. और तीसरी बारी w डैश को, मतलब w को डिफरेंशिएट कर देना, एंड यू विल गेट द थिस थिंग. ठीक है, तो अगर ये छोटी मोटी बातें आपको ध्यान रहती हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा, राइट? यू कैन कीप इट विद यू. ये वाली बात जो है आप अपने साथ रख सकते हैं और रखेंगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है बच्चों, तो छोटी मोटी चीजें हैं और आपको शायद आती भी होंगी, नहीं आती है तो आप इसको लिख लीजिए और ध्यान रखिएगा. ओके, लेट मी डिफरेंशिएट इट नाउ. दिस वुड बी 1 बाय u du ओवर dx. इधर क्या हो जाएगा? x को डिफरेंशिएट किया तो cos x और log x एज इट इज रहा. अगली बार cos x को किया तो माइनस साइन x आ गया, तो ये रहा x sin ऑफ x into log ऑफ x. और तीसरी बार मैंने log x किया तो मुझे क्या मिला? 1 बाय x. तो x और 1 बाय x चला गया, बचा क्या? सिर्फ cos ऑफ x. ठीक है, तो du बाई dx कितना हो गया बच्चों? मेरे पास du बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई? u टाइम्स u क्या था? x रेस टू द पावर x इंटू cos x. पार में डबल फंक्शन दे रखें, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है. रिलैक्स होकर के अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, कहीं भी आप नहीं फंसने जा रहे. ठीक है, एंड दिस इज माइनस x टाइम्स साइन ऑफ x इंटू log ऑफ x प्लस cos ऑफ x. ठीक है, दैट इज योर डी यू बाई डी एक्स. सो हाफ द टास्क इज डन. इसके आगे क्या करना है? हमें डी वी बाई डी एक्स चाहिए, कोई टेंशन नहीं, यहाँ तो सीधा क्वेश्चन रूट भी अप्लाई कर सकते हो, है ना? तो कर लोगे? चलो कर देता हूँ. तो डी वी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? डी वी बाई डी एक्स तुम्हारे पास डिनोमिनेटर तुमने एज इट इज रखा, न्यूमरेटर को तुमने डिफरेंशिएट किया, कितना मिला तुम्हें? ट्वाइस ऑफ एक्स मिला. और उसके बाद माइनस साइन के साथ तुमने न्यूमरेटर को एज इट इज रखा और डिनोमिनेटर को तुमने डिफरेंशिएट किया, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एक्स. फिर आपने क्या करना होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेना होता है, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे. ठीक है, इसका हम लोग होल स्क्वायर ले लेंगे. दिस इज व्हाट वी गेट. ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. कितना आ रहा है? टू एक्स क्यूब प्लस का है, टू एक्स क्यूब माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो रहा है. और यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये माइनस टू एक्स है और माइनस टू एक्स है, तो ऊपर मेरे पास आ रहा है माइनस फोर एक्स, है ना? देखो प्लस टू एक्स क्यूब और माइनस टू एक्स क्यूब तो गया, अब बचा क्या? हमारे पास माइनस टू एक्स है, माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर. ठीक है, अगेन इसको आप थर्ड इक्वेशन कह लो, इसको सेकेंड इक्वेशन कह लो, और इन दोनों को इक्वेशन नंबर वन में ऐड करके लिखोगे, यू विल गेट द आंसर. जस्ट कंफर्म इफ इट मैचेस योर आंसर, गिव मी क्विकली, क्विकली बताओ यस नो करके. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन वी आर सपोज टू फाइंड डीवाई बाई डी एक्स. And in parametric form, I'm sure we know
that whenever we are looking for dy by dx in any parametric form, here the parameter is t. So we would be looking out for dy by dt and dx by dt. This ratio would give us the answer. Okay? तो चलो बड़े आराम से बड़े प्यार से इसको करने की कोशिश करेंगे. लाइक लेट्स डू फर्स्ट ऑफ ऑल dx by dt, है ना. इसको इक्वेशन नंबर वन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना. लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर वन. हम यहाँ पे चलो इक्वेशन नंबर टू नहीं, इसको थ्री बोल दो और इसको टू बोल दो. तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर वन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी. तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट dx by dt. यहाँ पे ऊपर आपके पास क्वेश्चन रूल आएगा, तो आपके पास कितना हो गया, थ्री साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस ऑफ टी माइनस साइन के साथ साइन क्यूब टी. अच्छा, मेरे पास डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा ना, है ना. वी तो एज इट इज होता है, यू को हमने डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी हमें लिखना चाहिए था. सेकेंड पार्ट में मैं अब की बार साइन क्यूब टी को एज इट इज रख रहा हूँ और यह cos 2t को डिफरेंशिएट करूंगा. चेन रूल आएगा बिकॉज कंपोजिट फंक्शन है, अंडर रूट भी है, cos भी और 2t भी है. तीन बातें हैं ध्यान रखना, ठीक है. यहाँ आपके पास दो बातें थी, एक क्यूब था और एक साइन था, तो हमने दो बार किया इसको. साइन स्क्वायर आया और cos t आ गया. यहाँ हमारे पास तीन बातें हैं, अंडर रूट भी है, cos भी है और 2t भी है, ठीक है. तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा. चलो करते हैं. तो अंडर रूट का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 व्हाट एवर इज द वैल्यू, बिकॉज रूट एक्स का 1 बाई रूट 2 एक्स हो जाता है, 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाता है. तो ये हमारे पास एज इट इज ये आ गया. उसके बाद कॉस टू टी का कितना हो जाएगा, माइनस साइन टू टी. तो ये माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, साइन टू टी और टू टी का क्या हो जाएगा, टू. तो ये टू अपने पास यहाँ आ गया, ठीक है. सो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास न्यूमिनेटर को हमने अभी डिफरेंशिएट किया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया और डिवाइड बाय क्या करते हैं हम लोग, वी स्क्वायर करते हैं. तो वी स्क्वायर करेंगे तो क्या रह जाएगा, कॉस टू टी रह जाएगा, ठीक है ना. ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके रख लिया. थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने का तुम्हारा दिल कर रहा है तो कर सकते हो, आउट कर देता हूँ, है ना, बिकॉज आके उसकी बेनिफिट आगे मिल सकती है हमें. तो अगर मैं cos 2t को यहाँ पे लेके आऊँ तो ये आ गया 3 sin square t and into cos of t and cos 2t अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट के बाहर आ गया, ये आ गया cos 2t, ठीक है. और यहाँ हमारे पास एज इट इज बना रहा, दिस इज sin क्यूब t into sin 2t, that's all. नीचे आपके पास कितना आ गया, cos under root t and cos t, यानी कि cos t की cos 2t की पावर कितनी, 3 by 2, ठीक है. तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशिएट करके नया मॉडिफाइड इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरीके से बन गया. ओके, बहुत बढ़िया. अब क्या किया जाए, अब ऐसा करते हैं सेकेंड इक्वेशन को भी ऐसे ही डिफरेंशिएट कर डालते हैं, ठीक है. आओ यहाँ पे करते हैं एट द रिमेनिंग पार्ट. तो dy by dt आप करेंगे, फिर से क्वेश्चन टू लगाएंगे, ये आपके पास डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा. न्यूमिनेटर को आप डिफरेंशिएट करोगे, कितना आ गया, 3 cos square t माइनस साइन t. तो ये माइनस साइन लगा देता हूँ बाहर और यहाँ साइन t लिख देता हूँ, ठीक है. फिर माइनस साइन के साथ अब की बार हम लोग cos, चलो नीचे लिख दो इसको, थोड़ी जगह कम हो रही है यहाँ पे, नीचे लिख देता हूँ, पूरा एक्सप्रेशन इकट्ठे आ जाएगा, ठीक है. तो cos क्यूब टी को मैंने एज इट इज लिखा और अंडर रूट cos 2t को मैंने डिफरेंशिएट किया. चेन रूल लगेगा तीन बार, राइट, तीन फंक्शन है यहाँ पे. तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ cos 2t, ठीक है, cos ऑफ 2t. फिर cos 2t का मैंने करा तो ये आ गया मेरे पास माइनस, तो माइनस माइनस विल मेक इट प्लस. ये आ गया मेरे पास sin 2t. अच्छा जी, और क्या बचा, और 2 बचा, ठीक है. तो ये 2 हमारा गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी कि cos 2t. ओके, एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई करें. सिमिलर सा एक्सप्रेशन है तो ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए. cos 2t की पावर 3 बाई 2 आ गई डिनोमिनेटर में. इधर लेके आओ, क्या रह गया, देखो cos स्क्वायर t और sin t है, तो ये तुम्हारे पास cos 2t है माइनस साइन के साथ है अब की बार, ठीक है, अब की बार माइनस साइन के साथ. तो cos 2t और 3 टाइम्स cos t इंटू sin t, और साथ में क्या बचा भाई, cos क्यूब t इंटू sin t, sin 2t. ये हमारे पास ये फाइनल ऐसा बच रहा है. हमें क्या चाहिए, dy by dx चाहिए. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना. डिनोमिनेटर तो दोनों जगह पे सेम है, बस यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है. तो dy by dx मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एक्सप्रेशन एज इट इज मेरे पास न्यूमिनेटर में आएगा
और मैं देख रहा हूं कि कॉस्टी इसमें सिर्फ कॉस्टी कॉमन आ पा रहा है। अच्छा, यहां अगर देखता हूं तो यहाँ पे सिर्फ साइन टी कॉमन आ रहा है ना। यहाँ हमारे पास, अच्छा यहाँ कॉस स्क्वायर है ना, यहाँ कॉस स्क्वायर टी है। अच्छा, यहाँ कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ सकता है। चलो ठीक है, जो कॉमन आ रहा है ना लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं कॉस स्क्वायर टी को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आता है 3 टाइम्स साइन टी इंटू कॉस 2 टी, ठीक है। और ये माइनस साइन है, ओके, माइनस साइन, देखो मैंने अलग से यहाँ लगाया, ठीक है। यहाँ ये वाला क्या है, ये माइनस है, ध्यान रखना। और यहाँ मेरे पास क्या रह गया, यहाँ मेरे पास रह गया कॉस टी इंटू साइन 2 टी, ठीक है भाई। और ये तो कैंसिल हो गया, नीचे मैं dx बाई dt लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर टी कॉमन लिया, साइन स्क्वायर टी दोनों में है। और यहाँ मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 3 टाइम्स कॉस टी इंटू कॉस 2 टी, कॉस टी इंटू कॉस 2 टी। और इधर क्या आ गया बच्चों, साइन टी इंटू साइन 2 टी। अब मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे ऐसा कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है, सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज द फाइनल आंसर। आप चाहो तो कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी को एक बार को कॉट स्क्वायर टी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन हमारे पास क्या एमसीक्यू में ऑप्शन दे रखे, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन टेक द राइट वन। लेट मी नो इफ इट इफ दैट इज दैट मैचेज योर सोल्यूशन, जस्ट गिव मी येस और नो। ओके, द नेक्स्ट टू डाउट्स दैट यू हैव गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 to π/2। 0 से π/2 पे कौन सा डिक्रीजिंग फंक्शन है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन निकला, ये तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है, मतलब इसमें तो डिफरेंशिएट भी नहीं करना है। cos x इज द ओनली फंक्शन विच इज डिक्रीजिंग, है ना। अगर मैं cos 2x की बात करूं तो क्या बोलूंगा, cos 2x कहां तक डिक्रीजिंग है, 0 से π/4 तक डिक्रीजिंग है। कहां से डिक्रीजिंग है, हालांकि 0 से π/4 तक नहीं, ये भी 0 से π/2 तक डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि जो cos x होता है ना, एक्चुअली तुम जब ग्राफ देखो cos का, तो ये कुछ ऐसा होता है, राइट। 0 से π/2 तक यहाँ गया, और π/2 के बाद ये नेगेटिव में जाता है, π पे जाके नेगेटिव। तो एक्चुअली में cos x जो है ना, ये सब बातें अगर फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे पास है तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। ये वैल्यू cos x की वैल्यू +1 से -1 चली जाती है जब x की वैल्यू 0 से π पहुंचती है, तो ये पूरा ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर इसमें ये बोलते हैं ना कि 0 से π तक कौन सा डिक्रीजिंग है, तो भी मैं cos x ही बोलता। और cos 2x के बारे में अगर मैं बोलूं तो ये 0 से, क्योंकि जब पीरियोडिसिटी क्या हो जाती है, सीधी आधी आधी हो जाती है ना, तो 2x का कितना हो जाएगा, इधर हाफ हो जाएगा। तो ये 0 से π था, तो ये 0 से π/2 तक डिक्रीजिंग होगा, ये 0 से π/3 तक डिक्रीजिंग होगा। और टैन तो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि टैन हमेशा जो है आपका -π/2 से लेके +π/2 तक, राइट। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, एंड दिस इज योर लाइन एक्स इज इक्वल टू π/2, एंड दिस इज योर लाइन एक्स इज इक्वल टू -π/2। तो ये बहुत तेजी से कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ भागता है, ठीक है। यहाँ इट इज लाइक एन एसिम्प्टोट, तो ये तुम्हारा ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। सो व्हाट इज द आंसर, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, सीधा ये मार्क करना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन x^100 साइन एक्स -1 इज डिक्रीजिंग, ओके। डिक्रीजिंग देखना है तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट कर डालते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे f' कैसा दिखता है, 100x^99 और प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स। अब मुझे ये देखना है ये कहाँ पे वैल्यू नेगेटिव देगा, बिकॉज कोई भी फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो f' वहां पे क्या होना चाहिए, <f
> होना चाहिए। f' मस्ट बी <f
> इफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है, ओके। तो 0 से 1 बिल्कुल, अच्छा 1, बिकॉज देखो यहाँ पे x क्या है, रेडियन है, तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि पाई रेडियन इज एक्चुअली 3.14, ठीक है। सो 1 रेडियन इज ऑलमोस्ट हाउ मच, 57 डिग्रीज के आसपास होता है, अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 57 डिग्रीज। तो जब ये 0 से 1 बोल रहे हैं तो समझना है कि तुम्हें कॉस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ये तो पॉजिटिव है, पर ये तो सर्टनली पॉजिटिव है, तो ये तो नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट, बिकॉज यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है। π/2 से पाई अगर मैं सोचता हूँ तो हाँ यहाँ पे कॉस एक्स वैल्यू मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी, दिस वुड बी वॉट, दिस वुड बी नेगेटिव। बट सोचने की बात ये है कि 100 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये हमारे पास जो है 0 से π/2, ये भी गलत हो जाएगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास दोनों चीज़ें ही पॉजिटिव हैं, पर उन्होंने क्या बोला, डिक्रीजिंग। तो कॉस एक्स तो मेरे पास डिक्रीजिंग हो जाएगा π/2 से π के बीच में,
बल्कि पूरा ही डिक्रीजिंग होता है, लेकिन ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर मैं पाई बाई टू की बात करूँ तो पाई बाई टू कितना होता है, 3.14 का आधा, यानी कि ऑलमोस्ट 1.7 के आसपास है ना, 1.7 के आसपास। अच्छा 1.7 है, तो 1.7 का अगर मैं पार 19 को, ये ह्यूज नंबर, काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये कभी नेगेटिव में तो नहीं जाएगा। आई विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैसे मैंने इंटरप्रेट किया, इसकी इंटरप्रिटेशन में एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ, अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। पहले ये देखो आंसर सही है, इसका आंसर डी होना चाहिए, जस्ट कंफर्म एंड आई विल इंटरप्रेट दिस वन मोर टाइम, चेक कर लो राइट आंसर की, एज यूजुअल मेरे पास नहीं है, आप देख लो। The answer should be what? T, because f dash x is always positive in the given options. जो हमारे पास ये तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सब जगह पे f dash x कितना आ रहा है, मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें करना चाहिए था। ओके, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने f dash x निकाला और उसके बाद मैंने सिंपली एक बात पे ध्यान दिया कि कहाँ पे मेरे पास f dash x नेगेटिव आएगा। 0 से 1 तक मतलब नहीं बनता, बिकॉज 1 अगर मैं देखूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जा रहा है। पाई बाई टू से पाई, हालांकि यहाँ पे कॉस एक्स नेगेटिव हो जाएगा पाई बाई टू से पाई, लेकिन ओवरऑल जो एफ डैश एक्स है वो तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो रहा है, इट इज पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज 1.7 एक्स की पावर 99 बहुत ह्यूज नंबर है। अगर ये 0 से कम होता ना, अगर ये एक्स मेरे पास 0 से 1 के बीच में होता तो एक बार को मैं सोचता कि हाँ ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, बट यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये इट इज गोइंग आउट टू बी व्हाट, इट इज गोइंग आउट टू बी अ पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली 0 से पाई में सब कुछ पॉजिटिव होगा, तो एफ डैश एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए आई विल मार्क फॉर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो फाइनली वी हैव वन केस स्टडी क्वेश्चन, लेट्स क्विकली गेट गोइंग एंड लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दिस। आई विल बी एबल टू गिव यू द गाइडेंस इन द रिमेनिंग टाइम एंड यू वुड ट्राई दिस क्वेश्चन। एन एटेक कंपनी इज गोइंग टू बिल्ड अ न्यू रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, द लैंड दे हैव परचेज कैन होल्ड एट मोस्ट 3500 अपार्टमेंट्स। ओके, Also, they make X apartments, then the monthly maintenance cost of the whole complex would be as follows. Fixed cost is how much? This is 40 lakh. Oh, very expensive. Variable cost is this, okay? So, number of apartments pe dependent hai variable cost. ठीक ऐसे ही होता है। Based on the above information, answer the following. The maintenance cost is equal to how much? Right? हमारे पास जो total maintenance cost है, वो हमारे पास कितना है? As a function of X. तो मेंटेनेंस कॉस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, सो दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर दिस। ठीक है ना, सी ऑप्शन कोई टेंशन ही नहीं। इसका एक और क्वेश्चन देखेंगे, अक्सर इसमें ऐसे क्वेश्चंस में ना मेंटेनेंस कॉस्ट को मिनिमाइज करने की बात करते हैं, द मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसमें क्या करोगे, जो फंक्शन तुम्हारे पास बना है उसको डिफरेंशिएट करोगे राइट। यहाँ जो तुम्हारे पास फंक्शन है, अगर लॉग आउट हो जाए तो परेशान मत होना, आराम से इसको ट्राई